है चारों तरफ अंधियारा, साथी न कोई सहारा, बिखरे ख्वाब हमारे, टूटा दिल भी हमारा, अब तो जिंदगी सजा सी लगती, मुझे मौत एक दुआ सी है लगती। चलो फिर चलते हैं हम, सारा गम अपना लेकर छोड़ कर ये जहां, मौला मैंने ले ली अपनी जान, मौला मैंने ले ली अपनी जान। आओ भाई राम जन्म, समय हो गया है। लगता है हम लोग एक ही कश्ती के सवारी हैं। का भैया हमको राम जन्म कहते थे, बिहार के थे। मैं यमराज, यमलोक से। मुझे ये दुनिया कुलदीप सिंह के नाम से जानती थी। मुझे मेरे दोस्त प्रताप ठाकुर कहते थे, फ्रॉम गाजियाबाद। लेकिन भैया आप तो यमराज जैसे लगते ही नहीं हैं। रंग रूप तो बस एक छलावा है, हम तो किसी भी रूप में इस दुनिया में आ जाते हैं। यहां से सीधा अपना मकाम होगा। ऐसा है, जो होना था वो तो हो गया। आइए बैठिए, बतियाते हैं। झोले में क्या है? अरे ये तो खाली है। कहा था कि हमको झोला बहुत पसंद था, तो साथ ही रह गया। मैं तो सुने से कि खालिया था या खालिया थी जाएंगे। अरे वो कहा है ना, ये झोलवा हमको बहुत पसंद था, तो जब हमको जलाया गया तो ये झोलवा भी लोग साथे जला दिए, तो ये साथे रह गया। मैंने इतना काहे दिक्कत है भाई झोला से, आप भी कुछ ले आते, मना किए थे का? अरे दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत वाली कोई गल नहीं, हम ही पूछ रहे थे। कैसे मरे सरदार जी, कूदे उदे थे का? हैं ना जी, ड्रग ओवरडोज से। ज्यादा ले ली। ठाकुर साहब कैसे? गोली से। बापू पुलिस में थे, रात में उनकी बंदूक से खुद को उड़ा लिया। अरे बाप हो बाप, क्विक डेथ, गुड ईयर। और आप कैसे, थोड़ा प्रकाश डालिए। अरे हम तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक चीज से घिरा गए। गवर्नमेंट? पैसा? अरे नहीं जी, डेथ, प्रेम। हमको प्रेम हो गया था और वो हमको छोड़ के किसी और से शादी कर रहा है। जो तो बड़ा बुरा सीन हुआ, लगता है झेल नहीं पाए। बहुत कोशिश की है,
कि कुछ भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, लेकिन रोक नहीं पाए खुद को, नसिया काट दिए। सही किया आपने। पता नहीं खुदकुशी करना ठीक है कि नहीं, लेकिन दिक्कत की सीमा पार हो गई। सही किया आपने, क्यों फालतू का झेलना, नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, क्यों सरदार जी? गलत सही है, लेकिन दुनिया की नजर दे विच सुसाइड करना गलत गल है। सुसाइड ना जब उस दिल लोग करते हैं। कहने वालों को क्या पता कि कितनी हिम्मत चाहिए होती है इस काम के लिए। बुजदिल लोग तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। हिम्मत चाहिए होती है इतना झेल के भी टिके रहने के लिए, पर बात तो वही है ना कि कोई कब तक टिका रहेगा ना भाई। अच्छा मान भी लो कोई सुसाइड करना चाहता है तो उससे कैसे बच सकता है? हैप्पी रास्ता, उम्मीद, अंग्रेजी में होप कहते हैं। एक ठो उम्मीद इंसान को खुदकुशी करने से रोक सकता है, लेकिन जो ही उम्मीद टूटी इंसान फिर से खुदकुशी करना चाहेगा। तो कुछ ऐसी उम्मीद हो जो कभी ना टूटे और इंसान को इस जाल से बाहर निकाल दे तो बच सकता है आदमी। हमारे दादाजी कहते थे कि आत्महत्या करना गलत बात है, वो एक टेम्प्रोरी परेशानी का परमानेंट उपाय होता है। लेकिन प्रताप भाई की बात में दम तो है, आप जीवन में कौन दिक्कत में थे प्रताप भाई? मैं गे था, बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा। 11 साल का था मैं जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं गे हूँ। हाँ, नहीं पसंद मुझे लड़कियाँ, मुझे लड़के अच्छे लगते थे, उनके साथ उठना, उनके साथ बातें करना, और कौन सा मैं उनका रेप करने के लिए उतारू था। लेकिन कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं था, कोई भी मेरी सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत बेइज्जती झेली और मार ली एक दिन गोली अपने आप को। मैं ना डिप्रेशन में था कई सालों से, कोई भी इलाज काम ही नहीं कर रहा था, और मेरे जो आसपास के लोग थे ना उनको पता ही नहीं था कि एक डिप्रेस्ड आदमी के साथ बात कैसे करते हैं। और उसी में ना आगे जाके जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हुई, बस यही रास्ता सही लग रहा था। लोग भी कहते होंगे मर गया परिवार का नहीं सोचा, वैसे भी वो आदमी अकेले में इतना झेल लेता है ना कि टाइम पे आके उसका दिमाग काम ही नहीं करता, कुछ महसूस ही नहीं होता उसको, कर लेता है। ये दर्द नहीं झेला जाता उससे, वो सुसाइड कर लेता है। हम तीनों लोग जीवन में जो दिक्कत सहे हैं वो सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, पर उनको हमको दर्द देने का भी कोई अधिकार नहीं है। जीवन में दिक्कत सबको होती है मान लिए, लेकिन इसका मतलब ही थोड़े है कि वो हमसे ज़्यादा झेला है, उसका दिक्कत जायज है हमारा नहीं। हाँ ठीक है, एगो लड़की हमको छोड़ के गई जिसका हमसे ब्याह होना था, तो इसका मतलब ही थोड़े है कि हमसे ज़्यादा झेला है तो उसका जायज़ हमारा नहीं जायज़ है। दुख तो दुख होता है ना भाई, छोटा बड़ा थोड़े होता है। ज़रूरी थोड़े है कि शादी के बाद ही हम उसको अपना परिवार मानते, दिल से तो हम मान ही चुके थे। लोग कहते हैं कि काहे किसी और इंसान के लिए परेशान हो रहे हो, वो तो अपना जीवन मस्ती से जी रहा है, केवल तुम ही पागल हो जो उसके लिए परेशान हो रहे हो। अरे लोग ये कहाँ समझते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी में आदमी का अपने दिमाग पर से पकड़ कमजोर हो जाता है, वो चाह के भी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता है। कोई इंसान दुखी नहीं रहना चाहता, पर कुछ मानसिक दिक्कत के कारण वो चाह के भी ठीक नहीं हो पाता, और लोग समझते हैं कि वो उस दिक्कत से निकलना ही नहीं चाहता। दुख पर कोई बात ही कहाँ करता है, सब लोग पॉजिटिव बोल के ना बात को डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर दुख पे बात की जाए ना तो दर्द कम होगा, और ऐसे में जबरदस्ती सही होने के लिए बोलते रहने से बात और बिगड़ जाती है। दिक्कत बढ़ने से इंसान होपलेस हो जाता है और सुसाइड के बारे में सोचने लग जाता है। तो आप दोनों लोगों को क्या लगता है, ऐसे लोगों से
कैसे बात करना चाहिए, कैसे समझौता करना चाहिए। मेरे मेनू लगता मेरी बस कोई बात सुन ले, समझाए बिल्कुल ना। इंजीनियर था यार, बेवकूफ थोड़ी था, समझदारी मुझ में भी थी यार, बस मानसिक दिक्कत के कारण उस तरह से कुछ कर नहीं पाता था। जो सुनता भी था ना, वो आधे में समझा के चला जाता था कि दुनिया में लोग तेरे से भी ज्यादा परेशान है, तू बेकार परेशान है। फिर ना मैं डिफेंसिव हो जाता था, मन ही नहीं करता था किसी से अपनी बात शेयर करने का। पर ये अकेलेपन की फीलिंग ना बड़ी गंदी होती है यार, दिल करता है मर ही जाऊं। अगर कोई सुनने वाला मिले और समझाए ना, तो कंडीशन काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है और अच्छा लगता है। सही कहा कुलदीपा जी आपने। मेरे हिसाब से दुनिया को ये समझना जरूरी है कि जब कोई डिप्रेस्ड हो तो बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, और कभी भी ऐसे लोगों को डरा धमका के कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो पहले से ही डरे हुए हैं, ज्यादा डराने पे वो सुसाइडल हो जाएंगे और फिर बात खत्म हो सकती है। बड़े प्यार से, आराम से ऐसे लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा और उनकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिक्कत तो है, हम मिलकर इसका सलूशन निकालेंगे। ऐसी बातों से इंसान सेफ महसूस करेगा और जल्दी ठीक होगा। पल भर की बात होती है आत्महत्या करने में, अगर उस पल कुछ अलग हो गया वो पल निकल जाता है, फिर उस पल इंसान आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। सुसाइड की फीलिंग अगर आ रही है ना, तो कोई उस पर बात ही नहीं करना चाहता, डांट के चुप करा देते हैं, कहते हैं कि जुबा पे ऐसी बातें मत लेके आओ, अच्छा नहीं लगता। पर अगर इस सुसाइडल टेंडेंसी के ऊपर बात की जाए ना, तो ये सुसाइडल फीलिंग की इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो जो मूवमेंट होती है ना, वो निकल जाती है। हाँ, मूवमेंट पास हो जाता है, फिर वो उस टाइम पे कोशिश नहीं करेगा। जैसा कि हम पहले बोले कि सिर्फ उम्मीद ही इंसान को जिंदा रख सकती है और कुछ नहीं, और जिंदा रहने के लिए उम्मीद बनानी पड़ती है, चाहे जैसे भी बनाओ। उम्मीद उस मूवमेंट को पास करा देती है। सही कह रहे हो। गलत किया हमने, हार गए, टिके रहना चाहिए था, थोड़ी और ताकत दिखानी चाहिए थी और टिके रहना चाहिए था। अब तो मुझे भी लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, सब लोग बिछड़ गए हैं। बहुत प्यार किया पूरी लाइफ, क्या गलती थी उनकी? डिप्रेशन में था, बहुत तकलीफें थी जब जिंदा था, पर अब ना सब खाली खाली लगता है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। कभी कभी लगता है कि एक रात ही सही काट लेते। हार नहीं माननी चाहिए थी, लड़के मरते ना इज्जत से विदा होते। कभी सोचा नहीं था यार कि मर के इतना कुछ सीखने को मिलेगा। आप दोनों की ना बातों से काफी कुछ समझ में आया, थैंक्स। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे समझाओ, मगर अफसोस मरने के बाद। अगर यही बात कोई मेरे जिंदा रहते हुए बोल दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता। इंसान दोनों तरफ बस सीखता ही तो है, जिंदा रहने पर भावनाएं भी साथ होती हैं, मरने के बाद केवल तर्क ही रह जाता है, जो हमें हमारे जीवन को समझने में बहुत मदद करता है। फिर से उस सब गलती को समझ के एक नए उद्देश्य से इस धरती पर लौटेंगे। शायद हम वहीं से शुरू करें जहां इस बार छोड़ के आए हैं, या इस सब दिक्कत को एक नए तरीके से अगले जन्म में सुधारेंगे। अभी तो सफर को आगे बढ़ाने पर ही पता चलेगा ना। चलो चलते हैं, लौटेंगे फिर एक नए रूप में, एक नई कहानी लेके। बाबू बाबू।
आओ खाना खा लो। पल भर की बात होती है आत्महत्या करने में, अगर उस पल कुछ अलग हो गया वो पल निकल जाता है। हाँ माँ, आ गई नी। तुम मुझे बता सकता है कुछ भी बात जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैं चुपचाप तेरी सारी बात सुनूंगा, तू डरा मत कर, मैं हूं ना। रब ने साड़ी सुन ली, I'm pregnant। उम्मीद उस मोमेंट को पास करा देती है, सही कह रहे हो।